हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, आप लोगों ने मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा कि हमारे फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में मेमोरी होती है। वो दो तरह की मेमोरी होती है, एक हार्ड ड्राइव होती है, एक रैम होती है जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, एक और एक रैम हमारी होती है। तो मैं बोलूँ अगर यदि आपको कि रैम दो तरह की नहीं, हमारे फ़ोन में या फिर किसी भी चीज़ में जो हमारे डिवाइस जो है, या फिर लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या फिर स्मार्टफोन हो गया, उसमें तीन तरह की मेमोरी होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो होती है, रैम और हार्ड डिस्क के अलावा भी जो हमारी होती है कैश मेमोरी होती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ये कैश मेमोरी बहुत ही कम होती है हमारे कंपैरिजन में, जो हमारे रैम और रोम होती है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम साइज होती है, बट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। वो मैक्सिमम 7 MB, 8 MB या फिर 10 MB की होती है। 10 MB की भी होती है तो बहुत सारे जो ज़्यादा प्राइस के लैपटॉप वगैरह में वो 10 MB की होती है, नहीं तो वो मैक्सिमम 4 MB, 5 MB की ही जो हमारी मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी वो होती है। तो कैश आखिर होता क्या है और कैश काम कैसे करता है, जो हमारे कैश मेमोरी होती है उसका क्या रोल होता है हमारे फ़ोन या फिर लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन में या फिर डेस्कटॉप में, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। तो आइए देखते हैं हमारे कैश मेमोरी क्या होती है। तो गाइज, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारी जो प्रोसेसर में कहीं कहीं कोई कोई प्रोसेसर में इनबिल्ट आती है, या फिर जो हमारे प्रोसेसर होती है होता है जो हमारे जो क्वाड कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, डुअल कोर हो गया, इस सारे प्रोसेसर के बीच में एक जो स्पीड का जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। वो रैम, जैसे कोई भी हम कमांड देते हैं अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कमांड देते हैं, तो वो रैम तक ना जाके वो कैश से ही उठा के आपको दिखा देती है। तो उससे जो प्रोसेसर से सीधा उसका कनेक्ट होता है, जो भी हमारे जो कैश मेमोरी होती है उसका, तो जो पर्टिकुलर फाइल को आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कैश मेमोरी उसको ट्रैक करती है कि क्या आप एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। जो कि आप मान लीजिए स्मार्टफोन हो गया तो, या फिर कोई लैपटॉप में आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं बराबर, तो मैक्सिमम वो रीड करता है, जो हमारे कैश मेमोरी है वो रीड करता है कि वो क्या आप सबसे ज़्यादा करते हैं, जो भी आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने रैम के बारे में बताया था अपने पिछले वीडियो में, वो सब वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। जो रैम के बारे में बताया था और रोम के बारे में बताया था, जो पर्टिकुलर जो हमारे रूम होती है जहाँ पर हम जगह यदि कुछ काम कर रहे हैं, हमारे डेस्क में बैठ के कुछ काम करते हैं, तो डेस्क जो हो जाती है हमारे रैम होती है, जो डेस्क जो हमारे रैम का काम करती है, और जो हमारे कुछ फाइल्स की ज़रूरत होती है जो कहीं दूसरे जगह से लेके आते हैं अपने डेस्क पर रख के काम करते हैं, तो दूसरा जगह या फिर कोई दूसरा रूम जिसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जो हमारे हार्ड ड्राइव है, हम हार्ड ड्राइव से पर्टिकुलर कुछ फाइल जो भी हमारी सॉफ्टवेयर होती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन होती है वो हमारी स्टोर होती है सारे हार्ड ड्राइव में, वो हमारे रैम में कुछ भी नहीं होती है, वो ब्लैंक आती रहती है, सिर्फ हमारे काम के दौरान वो यूज़ करती है और हमें यूज़फुल बनाती है। जितना ज़्यादा रैम होती है उतना ज़्यादा हम फास्ट में काम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं और एक साथ में ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो हमारे रैम करती है। बट स्टोर सारे कुछ हमारे स्टोर जो पर्टिकुलर जो भी हम एप्लीकेशन में काम करते हैं सारा स्टोर होता है हमारे हार्ड ड्राइव में, जो कि हम एग्जांपल के तौर पर दूसरा रूम बोलते हैं। तो दूसरा रूम से कोई भी फाइल लेके आते हैं हमारे डेस्क यानी कि रैम में काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ जो हमारे डेस्क में, जैसे ऑफिस में काम करते हैं, तो बहुत सारे जो चीज़ होती है जो हमारे हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे ज़्यादातर हमें इस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और हम बार बार उसको यूज़ में लाते हैं, तो उस चीज़ को कैश मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर में वो डिटेक्ट करती है कि क्या हमें ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ मैक्सिमम टाइम करते हैं, कोई वेब ब्राउजिंग करते हैं तो कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सा पर्टिकुलर ऐप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस एक्टिविटी को वो कैश मेमोरी ट्रैक करता है। और उस एक्टिविटी को ट्रैक करते हुए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को वो एक जगह में स्टोर करके रखता है। जैसे हमारे डेस्क हो गई, डेस्क में हम काम कर रहे हैं तो उसमें ड्रॉअर होती है, ड्रॉअर में जो जगह होता है, ड्रॉअर में बहुत कम जगह होता है बट बहुत यूज़फुल की चीज़ हम ड्रॉअर में रखते हैं। जो मान लीजिए स्टेपलर हो गया या फिर कुछ सीज़र हो गया या फिर कुछ हम जो बराबर हम यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, उस ऐसे सारे चीज़ हम ड्रॉअर में रखते हैं, या फिर कोई स्टाम्प हो गया जो स्टाम्प को तुरंत निकाला अपना डाला फिर उसको तो वहाँ रख नहीं सकते, तो वो कैश मेमोरी में वही चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे जो ड्रॉअर को मानिए तो एक कैश मेमोरी हमारे ड्रॉअर जो होगी, सेक्शन ड्रॉअर का सेक्शन वो कैश मेमोरी होगी। तो हम ड्रॉअर में वही सिर्फ चीज़ रखते हैं जो हमें ज़्यादा यूज़फुल
होता है और आसानी से रीच हो सकता है, आसानी से हम उस तक पहुंच सकते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़ करके फिर वापस वहीं पर रख देते हैं ताकि हमें आसानी होती है वो चीज़ बार बार करने में, बार बार हमको अपने हार्ड ड्राइव में नहीं जाना पड़े और रैम में भी नहीं जाना पड़े, हम पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ से उठाएंगे अपना यूज़ करेंगे फिर वहीं रख देंगे। तो ड्रॉअर जो हो जाती है वो हमारे कैश मेमोरी का काम करती है। उस ड्रॉअर में ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ जो होती है, आप अपने लैपटॉप में कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैश मेमोरी उसको ट्रैक करती है। जैसे आप मान लीजिए अपने स्मार्टफोन में बार बार फेसबुक को बार बार खोल रहे हैं या फिर व्हाट्सअप को बार बार खोल रहे हैं, तो वो उसको ट्रैक करता है कि पर्टिकुलर चीज़ को हम बार बार यूज़ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को वो जो हार्ड ड्राइव है वहाँ पर ना स्टोर करके वो कैश मेमोरी में ही स्टोर कर दे। उस साइज़ में बहुत सारी कम होती है वो, बट वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है हमारे रैम के मुकाबले में और हमारे हार्ड ड्राइव के मुकाबले में। तो कैश मेमोरी जैसे ही हम बार बार यूज़ करते हैं उसको ट्रैक करता है कि ये हमारे जो बार बार यूज़ करता है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ को हम वही ड्रॉअर में रख देते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ को तुरंत आपको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो तुरंत जो लोड ले लेता है, जो स्क्रीन में लोड होता है वो तुरंत ज़्यादा ले लेता है। तो इसीलिए वो कैश मेमोरी को रखा गया कि हम ज़्यादा पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा अपने यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम ड्रॉअर में रखते हैं, यानी कि कैश मेमोरी में रखते हैं। तो कैश मेमोरी हमारी वही काम करता है कि जो वो सारे हमारे जो एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको ट्रैक करके वो कैश मेमोरी अपने पास रखती है। तो वही हमारे ड्रॉअर काम करती है, जो हमारे कुछ भी चीज़ होता है तुरंत अपना देख लीजिए, जैसे फेसबुक ओपन करें तुरंत हमारे फेसबुक को ओपन करें, कोई भी वेब अपने लैपटॉप में वेबसाइट बार बार हम खोलते हैं तो उस पर्टिकुलर को आप वो अपने ड्रॉअर में रख लेती है और तुरंत हमें दिखा देती है और ईजी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे रीच में जाती है। इसीलिए वो रैम के जगह के सामने ही ये ड्रॉअर का एग्जाम्पल मान के चलिए वो हमारी कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी वही सारी चीज़ स्टोर होकर रहती है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। वो साइज़ में बहुत कम होती है बट बहुत फास्ट होती है, तो यही काम हमारी कैश मेमोरी करती है। तो गाइज उम्मीद है आपको ये कैश मेमोरी का फंडा समझ में आ गया होगा और आगे से आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में जो होती है हमारे तीन तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो रैम और रोम होती है, उसके अलावा कैश मेमोरी भी हमारी होती है जो हमारे प्रोसेसर में ही होती है, कहीं कहीं प्रोसेसर में होती है या प्रोसेसर से सामने ही कोई आईसी में होती है, जो प्रोसेसर से सामने होती है उसके बीच का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बहुत ही फास्ट होता है, जो कि हमारे रैम ना जाकर हमारे पर्टिकुलर कैश मेमोरी से ही हमें कोई भी डेटा हमें दे सकती है। तो इस तरह से हमारे जो फ़ोन में होती है, फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में हमारे तीन तरह की मेमोरी होती है और कैश मेमोरी का हमारा यही काम होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है आपको यदि ये पहले से पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मुझे पहले से पता था। गाइज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइएगा क्योंकि मैं आगे से वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, और मुझे आप सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे लाइक भी कर दीजिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपको आपका लाइक एक मुझे मोटिवेट फील करवाता है, इसलिए आपको एक बार फूल देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप सोशल मीडिया में ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सारे सोशल मीडिया का अकाउंट्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी, इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में और नए टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नई बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।